गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं नितिन श्रीवास्तव आपके सामने हूँ एक और आपके लिए। आज रोचक विषय पे जानकारी के साथ उपस्थित हूँ आपके लिए, और वो विषय है पाइथन के रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बच्चों बताया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो दे आर द सिंबल्स। ये वो सिंबल हैं जो ये बताते हैं कि ऑपरेंड के ऊपर कैसा एक्शन होगा। ये वो सिंबल्स हैं जो ये तय करते हैं कि जो ऑपरेंड है समीकरण में उन पर क्या होना है। तो आज उसी क्रम में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। कई प्रकार हैं, करीब 6 या 7 प्रकार के अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। अब जिनके लिए मैं आपको आगे सीरीज वाइज बताऊंगा कि किस ऑपरेटर का क्या रोल है या क्या काम है। तो आइए बच्चों, पाइथन के आज रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर का मैं जिक्र करता हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करने चल रहे हैं रिलेशनल। सबसे पहले आपके लिए जिस ऑपरेटर के बारे में जिक्र करूंगा मैं, रिलेशनल ऑपरेटर, कुछ लोग इसको बच्चों एक और नाम से भी जानते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी तुलना करने वाला ऑपरेटर। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये वो ऑपरेटर्स हैं बच्चों जिनका काम क्या है, दो ऑपरेंड के बीच तुलना या कंपेयर करना। तो मैं देखिए लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा कि दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। ये ऐसे ऑपरेटर हैं बच्चों जो कि दो वैल्यूज के बीच कंपेयर करते हैं, या जिसके शब्दों में मैं कहूं तो तुलना करते हैं। पाइथन में रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत ही कमाल के ऑपरेटर हैं बच्चों, जो तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए बनाए गए हैं। और तुलना करके ये समझाते हैं या आपको बताते हैं कि ऑपरेटर्स के बीच क्या संबंध है, ऑपरेंड के बीच बराबर है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, क्या है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर दोज, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर हैं बच्चों जिनके द्वारा दो ऑपरेंड के बीच कंपेयर या तुलना की जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो आइए लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, कौन कौन से वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो पहला है तुम्हारा ग्रेटर देन, नंबर 2 पे है लेस देन, 3 पे बच्चों क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 चौथा क्या है लेस देन और इक्वल्स 2, पांचवा क्या है बच्चों इक्वल टू, और छठा है नॉट इक्वल। ये देखिए कितने ऑपरेटर्स हैं बच्चों, कितने रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है पाइथन में। 1, 2, 3, पहला ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू,
चौथा लेस देन और इक्वल टू, पांचवा इक्वल टू और छठवा नॉट इक्वल टू। ये देखिए टोटल छह डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ये टोटल छह डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं बच्चों, जिनके द्वारा आप दो डिफरेंट ऑपरेंड के बीच तुलना कर सकते हैं। और एक चीज मैं बच्चों बता दूं, दे आर गिव द रिजल्ट, इन बूलियन टाइप। ये जो आपको रिजल्ट है बच्चों, ये बूलियन टाइप में देते हैं, दैट इज किस तरीके से, ट्रू या किस फॉर्म में, फॉल्स के फॉर्म में बच्चों आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि कितने तुम्हारे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो टोटल छह हैं बच्चों, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो आइए अब इनका यूज करके आपको एग्जाम्पल से, अच्छा ये रिजल्ट जो तुमको देता है वो किस फॉर्म में देगा, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में। तो आओ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जाम्पल है बच्चों? तो पहला देखिएगा, अगर मैं सीधे लिखूं पांच ग्रेटर देन सात, तो बताइएगा इसका रिजल्ट क्या देगा, क्या पांच बड़ा है सात से? जी नहीं, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। दूसरा, अगर मैं कहूं सात ग्रेटर देन पांच, उलट दिया मैंने कंडीशन, तो निश्चित तौर पे बच्चों इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तीसरा देखिए, पांच लेस देन सात, बिल्कुल सही है कथन, ट्रू आएगा। उल्टा कर दीजिए, सात लेस देन बच्चों पांच, इसका रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये ऑपरेटर्स कार्य करते हैं, कितने तरीके से इनका रोल है, ये कार्य करते हैं। पांच बड़ा है सात से, गलत है। सात बड़ा है पांच से, सही है। पांच छोटा है सात से, सही है। लेकिन सात छोटा है पांच से बच्चों, गलत है। तो ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे किसके बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के। इसी तरह से अगर आप देखिएगा, अगर आप पांचवा एग्जाम्पल पे आइए, अगर कहीं लिखा जाए पांच लेस देन इक्वल टू पांच, अब जरा देखिए बहुत ध्यान से बच्चों इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्या पांच छोटा या बराबर होता है पांच के? पांच छोटा या बराबर नहीं हो सकता, लेकिन पांच छोटा तो नहीं है, ये वाला गलत है, लेकिन ये वाला बच्चों क्या है, सही है। पांच पांच से छोटा नहीं है, लेकिन पांच पांच के बराबर है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या देगा, ट्रू देगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही अगर आपकी हो गई, तो ये रिजल्ट क्या देगा बच्चों, ट्रू देगा। इसी की तरह से छठवां देखिए, अगर मैं लिख दूं छह बड़ा या बराबर है छह की, तो फिर देखिए छह छह से बड़ा तो नहीं है, लेकिन छह छह के क्या है, बराबर है, एक सही हो रही है, तो कंडीशन क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। अगर दोनों की दोनों गलत हो जाए, सातवां देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अगर दोनों की दोनों कंडीशन तुम्हारी गलत हो जाए, अर्थात पांच लेस देन इक्वल टू थ्री, इसको देखिए फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री, तो बताइए क्या पांच तीन से छोटा है, नहीं। क्या पांच तीन के बराबर है, नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। ना पांच तीन से छोटा है, ना पांच तीन के। तो इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स बच्चों कैसे तुम्हारा कार्य करते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू बता दिया, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अगर मैं लिख दूं छह
नॉट इक्वल टू 6। बताइए क्या ये कथन ट्रू देगा? कभी ट्रू नहीं देगा, क्योंकि 6 तो 6 के बराबर है। तो ये आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन इसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल, 5 नॉट इक्वल टू 6। बिल्कुल सही, 5 6 के बराबर नहीं है, ये कथन ट्रू है। तो आपका क्या देगा? ट्रू देगा बच्चों। और सबसे आखिरी में इक्वालिटी ऑपरेटर, जो दो ऑपरेंड के बीच तुलना करता है या कंपैरिजन करता है। अगर मैं कहूं कि 5 बराबर है 5 के, बिल्कुल सही, 5 तुम्हारा बराबर है 5 के, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। 11वां कह दूं कि 6 बराबर है क्या 5 के? है नहीं है। तो भाई देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए बनाए, और मुझे लगता है कि ये एग्जांपल्स एकदम अपने आप पे क्लियर करते हैं कि कैसे तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर पाइथन में वर्क करता है। अब आइए बच्चों अगला एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये क्या करते हैं भाई? दे आर यूज्ड टू कंबाइन, दे आर यूज टू कंबाइन द कंडीशंस और फॉर यूजिंग टू मेक कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ध्यान से समझिएगा सारे लोग। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशंस। ये कंडीशंस को जोड़ने का काम करते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो ये जटिल कंडीशंस का निर्माण करते हैं। और ये टोटल 3 हैं बच्चों। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं? तो पहला है आपका एंड। एंड का वर्किंग देखिएगा, कंडीशन मैं लिख रहा हूं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, एक्शन। देखिएगा अगर एंड के साथ की दोनों कंडीशन ट्रू है तब तो ये कार्य करेगा, दोनों में से कोई भी एक बच्चों फॉल्स हो गई ये कार्य नहीं करेगा। और दोनों फॉल्स हो गई तब तो प्रश्न ही नहीं उठता इसको कार्य करने का। बहुत क्लियर है, देख लीजिए। दूसरा तुम्हारा और है। और की वर्किंग क्या है? तो देखिए कंडीशन 1, कंडीशन 2 और आपका एक्शन। बच्चों और कैसे कार्य करता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी वर्क करेगा, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तब भी ये वर्क करेगा। बस ये एक केस में कार्य नहीं करेगा, जब दोनों की दोनों कंडीशन क्या है? फॉल्स हो जाए। ये जो टेबल्स हैं बच्चों इनको ही हम लोग कहते हैं ट्रूथ टेबल। इससे क्या पता चलता है? ये ऑपरेटर्स का बिहेवियर कैसा है, ये कैसे कार्य करेगा। और सबसे आखिरी में बच्चों कौन सा है? तुम्हारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है भाई। ये करता क्या है? इट इज यूज टू रिवर्स द कंडीशन। बच्चों नॉट ऑपरेटर क्या करता है? कंडीशन को ही पलट देता है। पलटना मतलब क्या होता है? रिवर्स करना। अर्थात अगर कंडीशन का आंसर ट्रू होगा तो ये बना देगा उसको क्या? फॉल्स। और अगर कंडीशन देना चाहेगी फॉल्स तो नॉट लगा दोगे तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब आपको आइए लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ध्यान से बच्चों समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे कार्य करता है। मान लीजिए मैंने लिखा 5 greater than 3 एंड 6 greater than 4। देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों मिला के एंड क्या देगा? आंसर ट्रू देगा। 3 greater than 4 एंड 4 greater than 3, ये गलत है ये सही है,
ओवरऑल क्या आएगा बच्चों? फॉल्स आएगा। ये देख लीजिए एंड ऑपरेटर का रोल आपके सामने है बच्चों। और ऑपरेटर पे आइए, आपने लिखा 6 greater than 4 और 4 greater than 6। आप देखिए ये तो ट्रू है बट ये क्या है? फॉल्स है। बट ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों भला? क्योंकि और ऑपरेटर का बिहेवियर यही है बच्चों कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो एक्शन क्या हो जाता है? पॉजिटिव, यानी काम होता है। तो और आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं नॉट, सबसे इंटरेस्टिंग। देखिए नॉट एग्जांपल देखिएगा, 6 greater than 3 एंड 3 greater than 6। देखिएगा ये तो ट्रू है, ये तो फॉल्स है। ट्रू फॉल्स एंड से जोड़ोगे तो अंदर का तो होना चाहिए फॉल्स, आप जानते हैं। लेकिन तुमने लगा रखा है क्या? नॉट। क्या लगा रखा है? नॉट। तो नॉट क्या करेगा? फॉल्स को पलट देगा। तो तुम्हें फाइनल आंसर जो देगा वो क्या देगा बच्चों? ट्रू देगा। आप देखते जाइए कितने आसानी से तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि पाइथन में बच्चों तुम्हारे रिलेशनल या कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या रोल है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो में जो जानकारियां मैंने दी हैं वो निश्चित तौर पे आपके लिए काम की होंगी या पसंद आई होंगी। अगर आपको बच्चों अच्छा लगा हो, जानकारी कुछ भी मतलब की नज़र आती हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। और यदि आपको कंप्लीट पाइथन की जानकारी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि ऐप को यूनिक ग्रुप के डाउनलोड करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं वीडियोस के, आप वहां जाकर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सीख रहे हैं, आपको फ़ायदा मिल रहा है, हमारी ये निरंतर सीरीज आपके लिए जाती रहेगी, इसको देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, औरों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। मैं नितिन श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले रोचक वीडियोज़ बनाने की वादे के साथ। गुड बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।